बादल फटने से मची तबाही, मलबे में जिंदा दब गए बेजुबान, ग्रामीणों के छल के आंसू। टिहरी जिले में बारिश ने अभी भी कहर बरपाया हुआ है। मानसून जहां अपने अंतिम चरण में है, तो वहीं टिहरी जिले में आफत की बारिश जारी है। जिले के घनसाली विधानसभा के खुत्तू क्षेत्र में मंगलवार देर रात मूसलाधार बारिश हुई। यही नहीं, खुत्तू बाजार के ऊपर दो अलग अलग हिस्सों पर बादल भी फट गया, जिसके बाद रात को ही ग्रामीणों ने अफरा तफरी मच गई। मजबूर होकर रात के अंधेरे में गांव वालों को अपने आशियानों को छोड़कर जाना पड़ा। वहीं कई मवेशी मलबे में जिंदा दफन हो गए और कई मकान खतरे की जद में आ गए। सुबह के उजाले में गांव वालों ने जब गांव का हाल बेहाल देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी आंखों से आंसू छलक गए। ग्रामीणों की कई एकड़ भूमि तबाह हो गई, पैदल रास्तों से लेकर पेयजल लाइन मलबे की भेंट चढ़ गई। वहीं दर्जनों गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। रात के वक्त आई तबाही के दौरान स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए, लेकिन गांव तक पहुंचना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। वहीं घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो गया, सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जो कि प्रशासन के लिए राहत और बचाव कार्यों में दिक्कत पैदा कर रहा है। जिलाधिकारी की माने तो कई पशु मलबे में दफन हो गए और कई घायल हुए। वहीं कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है और राहत बचाव दल काम पर लगा है। देखिए, अभी जो कल हमको सूचना प्राप्त हुई थी, कल रात को काफ़ी जगह बादल फटने की घटना या तेज अतिवृष्टि हुई है गुत्तू बिलंगना क्षेत्र में, और जब हमको आज सुबह सूचना प्राप्त हुई तो उसके बारे में हमारी सारी टीम्स वहाँ पर रवाना हो गई हैं। रोड ओपनिंग का कार्य चल रहा है, जहाँ जहाँ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं वहाँ पर हमारी टीम्स पहुँच गई हैं। कुछ परिवारों को हमने सेफ जगह पर शिफ्ट किया है और कुछ पशुओं के हानि की भी सूचना है, जिनको लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा आगे रिलीफ का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि आपदा की जद में आए मकानों को प्रशासन द्वारा खाली करवाया गया है। वहीं लोगों को भी गांव के पास के स्कूल में शिफ्ट किया जा चुका है। देर रात खुत्तू में फटे बादल ने किस कदर तबाही मचाई है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आलिशान घर भी इस मलबे की चपेट में आए हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये खूबसूरत गांव आपदा की चपेट में आ चुका है। लोगों के घरों तक मलबा पहुंचा है, वहीं सड़कें भी आपदा की भेंट चढ़ चुकी हैं। ऐसे में राहत बचाव के लिहाज से प्रशासन के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। गांव वालों के सामने उनके आशियाने मलबे की चपेट में आए, जिसके बाद ग्रामीणों की आंखें छलक गई। वहीं गांव तक पहुंचने में आपदा बचाव टीम को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग जगह जगह पर बंद हो गया, जिस वजह से प्रशासन की टीम कई किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके खुद्दू पहुंची। वहीं हमारे सहयोगी भी चुनौतियों को पार करके घटनास्थल तक पहुंचे। इस कदर के हालात अभी वहां बने हुए हैं, जानेंगे अपने सहयोगी से। टिहरी जिले के घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन और बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन, राजस्व टीम और एसडीआरएफ की टीम और पूरी राहत बचाव दल की टीम इस समय मौके के लिए रवाना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से दर्जनों जगह पर सड़क मार्ग अभी भी पूरी तरह बाधित है, जिससे राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें और परेशानी हो रही है। हम भी इस वक्त रास्ते में फंसे हैं और अभी कोशिश जारी है कि कब तक हम गाँव पहुँच पाएंगे।